हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो है आप वन के मल्टीपल फंदे लें या टू के मल्टीपल, आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। इसमें मल्टीपल लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जितनी फंदे की ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जो है डिजाइन पैटर्न राइट बैक साइड से स्टार्ट होगा और राइट साइड आप जो है इस तरीके से फर्स्ट रो बेसिक रो है इसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी ये डिजाइन पैटर्न है और बहुत ही इजी है। केवल दो सिलाई की डिजाइन है और छोटे छोटे बूटियों में बन करके आता है। तो चलिए आज ये डिजाइन पैटर्न हम और आप बनाते हैं। तो ये हमारा बेसिक रो है, फर्स्ट रो, इसको हम सीधा बुनते हुए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही ईजी सा डिजाइन पैटर्न आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो है रो वन है डिजाइन पैटर्न का बैक साइड। तो पूरी रो को आपको इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए, हमारा ये हमने सीधा बुनाई किया है, धागा अगर करके ये लास्ट फंदा जो है उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये बैक साइड है। अब हमारा ये डिजाइन पैटर्न का देखिए सेकेंड रो है। तो फ्रेंड देखिए, ये सेकेंड रो है डिजाइन पैटर्न का, राइट साइड है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। देखिए, इसके नीचे से जो है गांठ वाला फंदा है ना, इसके नीचे वाले होल से हमें वन लूप लेना है और इसको ऐसे नीडल्स पे डाल देना है और इसे हम टू का वन ऐसे कर देंगे। देखें, फिर धागा आगे लेंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए, सेम आपको ही रिपीट करना है। यहाँ से ऐसे नीडल्स डालेंगे और ऐसे फंदा लेंगे, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, टू का वन करेंगे। देखिए, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे के नीचे से ऐसे नीडल्स को डालेंगे, लूप लेंगे और इसे देखिए लेफ्ट नीडल्स पे डालेंगे और यहाँ पर टू का वन करेंगे। वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए यहाँ नीचे से ऐसे डालेंगे और ऐसे देखिए इसके ऊपर लूप डाल देंगे और ये टू का वन कर देंगे। वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए इसके नीचे से हमें इस सिलाई को डालना है और वन लूप ले लेना है और इसे देखिए लेफ्ट नीडल्स पे डालेंगे और ये फंदे के साथ ही इस लूप को बुनाई कर देंगे। वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए इसके नीचे से हमने ऐसे लूप लेंगे, ऐसे डाल देंगे, टू का वन करेंगे, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ से देखिए नीचे से नीडल ऐसे लेंगे लूप और ये टू का वन करेंगे, धागा आगे, वन फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखिए उभर कर आने लगा, बहुत छोटे छोटे बूटियों में ये डिजाइन पैटर्न बनकर आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। यही दो सिलाइयाँ आपको रिपीट करनी है। देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो आपको ऐसे सीधा बुनना है, रिपीट पैटर्न। ये रो वन है और इस गर्मी में बहुत ही इजी तरीके से आप इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन देखिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी सी डिजाइन बनकर आने लगी है और अब ये जो है आपको रिपीट करके सेकंड रो भी दिखा देते हैं दोबारा। देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप कर लिया, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे,
अब देखिए इसके नीचे से ऐसे नीडल्स डालेंगे, लूप लेंगे और इसे देखिए लेफ्ट नीडल्स पर डाल दिया, यहाँ टू का वन किया, धागा आगे लेंगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ देखिए नीचे से ऐसे नीडल्स को डाला, लूप लिया और टू का वन कर देंगे, देखिए धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए यहाँ से ऐसे लूप लेंगे, ऐसे देखिए बाईं सिलाई पे ऐसे डालेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, नीचे से ऐसे लूप लिया, बाएं नीडल्स पर ऐसे डाला, लेफ्ट नीडल्स पर, और ऐसे हम बुनाई कर देंगे, वन फंदा उल्टा, नीचे से देखिए धागा पीछे ले जा करके लूप लेंगे, यहाँ टू का वन करेंगे, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए यहाँ से हमें लूप लेना है और ये टू का वन कर देना है, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ देखिए इस तरीके से लूप लेंगे और इसे नीडल्स पर डालेंगे, यहाँ पर टू का वन कर देंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसको सीधा बनेंगे। तो फ्रेंड देखिए कितना प्यारा सा केवल ये चार सिलाइयों का डिज़ाइन है, देखिए छोटे छोटे पैटर्न में बनकर आया है और काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, देखिए ये, और ये बैक साइड है। अब इसी तरीके से आप बनाते जाओगे ना तो पूरी डिज़ाइन देखिए ये ऐसी बनकर आएगी। अगर आपको फ्रेंड डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।